भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, आज हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट लोग है, स्पेशलिस्ट दवाइयाँ सब कुछ होते हुए भी आज भी हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए कोई दवाई नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो छोटा सा यज्ञ की जो हम चर्चा करें, देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ, प्रतिदिन जो मंत्र पाठ पूर्वक विधि पूर्वक कर लेता है, 15 दिन से एक महीने के अंदर व्यक्ति के न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। इतने इतने लाभ है, मल्टीपल लाभ है। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक विज्ञान है। क्या है यज्ञ? एक नैनो टेक्नोलॉजी, यज्ञ एक केमिस्ट्री है, यज्ञ एक एरोमा थेरेपी है, यज्ञ एक म्यूजिक थेरेपी है। म्यूजिक में क्या करते हैं? सुनाते हैं। हम जो मंत्र का पाठ करते हैं ना यज्ञ करने पर, वो मंत्र की ध्वनि बोलना, उसको सुनना, उसका जो कंपन, उसकी जो एक सुरीता, वो भी हमारे हार्मोन्स को, हमारे केमिकल्स को बैलेंस करता है बीमारियों को ठीक करने में और ना होने देने में। मानी यज्ञ एक पूरी साइंटिफिकली प्रोसेस और मल्टी चिकित्सा है। एरोमा थेरेपी भी है, यह म्यूजिक थेरेपी भी है, ये सन थेरेपी। सन थेरेपी में क्या करते हैं? उसकी रश्मियों में रहते हैं, उसकी रश्मियां हमारी चमड़ी के ऊपर पड़ती हैं तो हमारे बीच वाले हिस्से में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आते हैं और वो हमें अलग अलग किरणें अलग अलग लाभ देते हैं। ऐसे ही जब यज्ञ की जो रश्मियां होती है, उसका जब हम दर्शन करते हैं, उसका जब हमारी चमड़ी के ऊपर उसका जो किरणें पड़ती हैं तो उससे भी हमें लाभ होता है। उसके साथ साथ जब चीजें जलती हैं तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसके अंदर भी जैसे मैंने कहा अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स है, उसको श्वास के माध्यम से हम ले रहे हैं, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है, हमें लाभ होता है। नैनो पार्टिकल है, सबसे ताकतवर शक्तिशाली चिकित्सा नैनो चिकित्सा, वो नैनो पार्टिकल है, उसको भी हम लेते हैं, उससे भी हमें लाभ होता है। ऐसे मल्टीपल लाभ हमें एक साथ यज्ञ के माध्यम से मिलते हैं। और ये जो सारे लाभ है उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। क्या लाभ प्राप्त होता है? अभी तक हमने जो लाभ देखे वो क्या देखा, कि रेडिएशन से बच सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बच सकते हैं और अलग अलग चीजों से। लेकिन एक चिकित्सा लाभ भी विशेष रूप से हमें यज्ञ करने पर प्राप्त होता है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, युक्ति व्यपासय, सत्वाउजय और देव व्यपासय। 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। यज्ञ को देव व्यपासय चिकित्सा कहते हैं। और वहां पर यया प्रयुक्त चिष्टया राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग दवाइयां लेने पर भी ठीक नहीं होती, दुसाध्य असाध्य कोटि में बीमारी जा चुकी है, आरोग्यार्थी रोग कोई निवृत्ति चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और ऐसे वेद में और अलग अलग स्थानों पर विशेष रूप से बताया, उसी के आधार पर अनुसंधान किया और उन अनुसंधानों में भी विशेष रूप से वो सारी चीजें नैनो पार्टिकल से लेकर के गैस फॉर्म में अलग अलग चीजें पाएगी और एविडेंस के साथ ही 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री बनाई। आपको जान करके आश्चर्य होगा कितने सारे, एक श्रीनिवास जी करके तेलंगाना रुद्रूर में, ये जो कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, भर्ती होने के बाद जो दवाइयाँ दी गई, अब उस समय तो कोई डिफाइन थी नहीं कि ये दवाइयाँ तो अब कोई भी देते थे, उस समय उनको ब्लैक फंगस हो गया और ब्लैक फंगस होते ही लोग बहुत भारी मात्रा में मृत्यु को प्राप्त होते थे। उस समय इनको ये सिर के पूरे हिस्से में फंगस का फैलाव होने लगा, यहाँ से उनका 8 बार ऑपरेशन हो गया। बार बार उस फंगस को सफाई करते थे, निकालते थे, अलग अलग दवाइयाँ देते थे और अलग अलग चीज़ें करते थे और शरीर पूरा उनका कमजोर होता जा रहा है और पूरी तरीके, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये बच पाना संभव नहीं है, वो पूरी तरह से पहले थोड़े में था फिर फैलते फैलते आंख और ये सब, डॉक्टर लोगों ने अब एक के बाद एक बार बार निकालते थे, फिर उनको कहा अब आपको आंख भी निकालनी पड़ेगी, ये भी, और ऐसी बुरी अवस्था में आ गए थे। जब आंख निकालने के लिए कहा तब उन्होंने कहा कि जब हम अगली बार सफाई करेंगे तब हम ये चीज करेंगे, अभी रहने दो। तब वो घर पे लाए। उस समय ये यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण के शिविर हम ऑनलाइन चलाते थे, तो ऑनलाइन में वहां के कार्यकर्ताओं ने प्राप्त किया था और सब पता था उनको, और उनको पता चला कि ये ऐसी कंडीशन में, और डॉक्टर लोगों ने इतना
बता दिया। उस समय उन्होंने यज्ञ चिकित्सा सजेस्ट किया, जबकि डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये आंख निकालना और ये सब करने के बाद भी ये रुकेगी नहीं, ये तो फैल ही रही है, और जब तक आप जी सकते हो ये कर सकते हो कि हर 15-20 दिन महीने में एक बार ऑपरेशन करके हम इसकी सफाई करके जो भी 2-3 महीने आप अधिक जी सकते हो वो कर सकते हैं, और हर महीने 50-60-70 हजार का बिल, इतनी दवाइयां और ये सारी चीज चल रहे हैं। अब वो सब चीज करते हुए बिल्कुल अंतिम अवस्था में उस समय उनको यज्ञ करने के लिए कहा, और विषय ने धूप और कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने के लिए कहा, उन्होंने हवन किया, हवन करके उसमें प्राणायाम करने का प्रयास किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर लोग भी आश्चर्य चकित हो गए, और 2 महीने के अंदर जो उनका फंगल इन्फेक्शन पूरे में फैल रहा था वो 100% बंद हो गया और रिकवर हो गया, उनकी आंख निकालनी भी पड़ी, देखना सुनना सब चीजें नॉर्मल। 3.5 महीने लगातार उन्होंने यज्ञ किया उसमें बैठे, और अब तो वैसा हो गया ना जीवन शैली में ही अपना लिया, अब तो हर रोज करते हैं, लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन में उन्होंने किया और बाहर आ गए। ऐसे ही एक वहीं पे एक बहन, उनको लीवर में कैंसर हुआ, हैदराबाद में ट्रीटमेंट लिया, शरीर में 6 जगह पर और फैल गया, उनको मुंबई में ट्रांसफर किया, मुंबई लेके गया, उन्होंने इम्यूनोथेरेपी लेने के लिए बोला। जब उन्होंने इम्यूनोथेरेपी लेने के लिए तैयारी की, एक इंजेक्शन 3-3.5 लाख का आता है, और एक बार इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट 25 से 45 दिन कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है, खड़ा नहीं होता, कुछ नहीं पता चलता उनको, और उनकी साफ सफाई भोजन आदि करने के लिए भी जो कमरे में जाए ना उसका इतना दुष्प्रभाव और रेडिएशन और इसकी वो होती है, उनकी भी हड्डियां खोखली हो जाती है, जो उनके कमरे में भी जाए उनके भी इतना दुष्प्रभाव होता है। ऐसे उन्होंने 5 इंजेक्शन लिए, 5 इंजेक्शन के बाद जब उनकी रिपोर्ट कराई, वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। डॉक्टर लोगों ने कहा अब आप इसको घर पे ले जाइए, जितने दिन जीते हैं सेवा कीजिए, दवाइयां और डोज में जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए। उस समय 6वां इंजेक्शन लेकर के वो घर पे आए, डॉक्टर लोगों ने अब आने के लिए मना कर दिया। तब वहां के कार्यकर्ताओं को ये पता चला, और जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्होंने कहा कि आप कर्कटेष्टि से हवन, कर्कटेष्टि कैंसर को ठीक करने के लिए विशेष जड़ी बूटी है, हवन सामग्री, उससे उन्होंने हवन करना प्रारंभ किया उसके कमरे के अंदर। पिछले 5 इंजेक्शन का अनुभव, 25 से 45 दिन के पहले वो बहन खड़ी नहीं होती थी बेड से, और ये पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, इंजेक्शन लेकर के आए हैं और बिल्कुल बेड के ऊपर हैं, और आशा परिवार के लोगों ने छोड़ चुके थे, और उस समय उनको कर्कटेष्टि से उनके कमरे के अंदर हवन करना चालू किया। आपको गौरव होगा और आश्चर्य होगा, केवल मात्र 3 दिन में खड़ी हो गई, 3 दिन में, और उसके उपरांत उत्साह बढ़ जाता है। उसके बाद लगातार उन्होंने 1-1 घंटे भर यज्ञ किया, 15 दिन के अंदर वो प्राणायाम करने और ये सारी चीज करने की ताकत आ गई, प्राणायाम भी करने लगे, यज्ञ और प्राणायाम और ये सारी चीज साथ साथ में किया। 3.5 महीने के बाद रिपोर्ट निकलवाई, जिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि आप इतने दिन कैसे जी गए, जो स्थिति थी उस स्थिति का ये तो हो ही नहीं सकता है, और रिपोर्ट कराई 61% रिकवर हो गया कैंसर। ऐसी चीजें, और ऐसे 1-2 केस नहीं, कितने सारे। आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसमें यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देखेंगे ना तो ऐसे 1-2 नहीं, कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन, कोमा और भी अलग अलग डिजीज के ऐसे अलग अलग मल्टीपल केसों को आप देखेंगे, मल्टीपल बीमारियों वाले केसों को देखेंगे, जिन्होंने बिल्कुल, ये जो मैंने केस सुना रहा हूँ वो कौन से केस हैं, जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, बहुत आगे पहुंच चुका है, सब टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब कुछ हैं, और सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब जो जीवन प्राप्त किए यज्ञ चिकित्सा से, उनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और ऐसे आपको वहां पर सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे। ये यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन है, यज्ञ एक केमिस्ट्री है, एक म्यूजिक थेरेपी है, एक गंध चिकित्सा है, एक रश्मि चिकित्सा, एक मल्टी चिकित्साओं का एक पूरा पैकेज है ये। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं अलग अलग, तो वो जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, वो रश्मियां, वो रंग, वो गंध, वो मंत्र का पाठ और ये सारी चीजें एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी, एक ऊर्जा से युक्त वायुमंडल देती है। उसमें जब हम रहते हैं तो हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होता है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्र जो शक्ति का, एनर्जी का, ऊर्जा का सोर्स को हमारे शरीर के अंदर बढ़ा देता है, हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस कर देता है, दुनिया का कोई भी रोग टिक ही नहीं सकता, और कितना भी बड़ा हो गया तो ठीक भी हो जाता है, और ये प्रत्यक्ष है।
साइंस में भी, अनुसंधानों में पाया और लोगों ने किया उसमें भी पाया। कहने का अभिप्राय यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, एक चिकित्सा पद्धति भी, ऐसे अलग अलग रोगों को ठीक करने में भी अद्भुत लाभकारी होता है। और इन सब चीजों के साथ साथ ये एक हमारा कर्तव्य कर्म है। क्या है? जैसे माता पिता हमें जन्म दिए, पाले पोसे, बड़े किए, पढ़ा भी, तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? ऋणी होते हैं, नहीं होते हैं? माता पिता के ऋणी हो गए। इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये पांच तत्वों से पूरा पर्यावरण ब्रह्मांड बना है। इन पांचों तत्वों का हम हमेशा प्रयोग ले रहे हैं। सूर्य देवता से रोशनी लेते हैं, जल देवता से पानी लेते हैं, वायु देवता से प्राणवायु लेते हैं, धरती माता में धारण करती है, अन्न दे रही है, सब चीजें हम ले रहे हैं ना। अब उनको हम वापस क्या लौटा रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम क्या हो गए? ऋणी। वो दे रहे हैं, दाना देव वो दे रहे हैं, इसलिए वो देव है। हम ले रहे हैं इसलिए हम ऋणी हैं। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और हमारे प्राचीन शास्त्रों में देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ करने के लिए कहा है। और ये यज्ञ करने पर ये जो पांच तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व पोषित होते हैं, संवर्धित होते हैं। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पादादि मर्दनम्। हवन यज्ञ करने से पांचों तत्वों के अंदर जो उत्पाद फैलते हैं, ये पिंड के अंदर बीमारी रूपी उत्पाद होते हैं और ये पर्यावरण के अंदर कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, अति धूप, अति ठंड और अलग अलग प्रकार के उत्पाद, वो संतुलित होते हैं पांचों तत्व। और ये जो उपद्रव होते हैं वो शांत हो जाते हैं। अयम यज्ञो भूनस्य नाभिका, जैसे माता के गर्भ में शिशु नाभि से माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है, ऐसे ही ये पंच भूतात्मक यह प्रकृति यज्ञ रूपी नाभि से पोषित होती है, संवर्धित होती है, शक्तिशाली बनती है। इसलिए ये यज्ञ को कर्तव्य कर्म के रूप में बताएगा। और जब यज्ञ की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, ये तो पंडितों का विषय, ये ब्राह्मणों का विषय, ये पुजारियों का विषय। ये पंडित ब्राह्मण पुजारियों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हम सब बीमारियों से युक्त होते ही नहीं होते हैं? हम सबको रेडिएशन लगता है, नहीं लगता है? हम सबको वायु प्रदूषण प्रभावित करता ही नहीं करता है? ये जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम सब प्रभावित होते हैं समान रूप से, और प्रकृति का प्रयोग भी हम समान रूप से करते हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई समान रूप से हम इस प्रकृति माँ का प्रयोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे? एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माँ का पोषण और संवर्धन करना ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हमें इसको बांटने की नहीं, जीवन में अपनाने की जरूरत है। और ये कोई एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ नहीं, ये एक विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? शुद्ध विज्ञान। और इसके मल्टीपल लाभ होते हैं, अलग अलग लाभ होते हैं, बहुत सारे। तो आप ही बताइए, हम सुबह से शाम तक मनुष्य जीवन में जितने भी कर्म करते हैं, कौन सा ऐसा कर्म है जो आपको 5 से 7 मिनट करो और इतने सारे लाभ मिलता हो? 7 मिनट 10 मिनट, मान लो 10 मिनट टाइम दे दिया, इन्वेस्ट किया हर दिन, 10 मिनट में कौन सी चीज है जो हम इतने लाभ उठा सकते हैं? इसलिए शास्त्रों में कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। ये यज्ञ मनुष्य जीवन में जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर्म के रूप में इस यज्ञ को देखा गया है। अलग अलग बहुत सारे, ये तो हमने भौतिक दृष्ट लाभ सारे देखे, ऐसे आध्यात्मिक भी बहुत सारे लाभ देता है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, हमारी साधना में हमारा विकास करता है, हमारी चित्त वृत्तियों को शांत करने में हमारे लिए सहयोगी होता है, उसके साथ साथ पुण्यों को भी प्रदान करता है, मनोकामना की पूर्ति और अलग अलग अदृष्ट आध्यात्मिक लाभों को भी देने वाला होता है। लेकिन दृष्ट को भी देखे तो इतनी सारी चीज होती है। तो ऐसा और 5 से 7 मिनट में संपन्न हो जाता है। करने के लिए ऐसा छोटा सा हवन कुंड रखते हैं, हवन कुंड के तल में थोड़ी सी जड़ी बूटी ऐसे डाल देते हैं, तल में थोड़ी सी जड़ी बूटी ऐसे डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रुई रख देते हैं, ऐसे थोड़ी सी रुई रख दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कपूर डाल देते हैं, पाउडर करके भी थोड़ा डाल दिया और ऐसे थोड़ा सा कपूर डाल दिया, और 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके ऐसे अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ये
ऐसे अग्नि प्रदीप्त कर दिया और फिर ये जो छोटी छोटी समिधाएं होती हैं उसको ऐसे लगा देते सीधा। ऐसे अग्नि को पहले थोड़ी सी प्रदीप्त कर दिया। अब ये धीरे धीरे ये समिधाओं को हमने पहले से ही थोड़ा सा गाय का घी लगा दिया था और थोड़ा एक दो चम्मच गाय का घी और ऊपर से डाल दिया। ये अग्नि बहुत ही अच्छे से आराम से थोड़ी देर में प्रदीप्त हो जाएगी। जैसे ही अग्नि प्रदीप्त अच्छे से हो जाए उसके बाद छोटी सी 7 से 10 मिनट की विधि होती है। कितनी? हम हर रोज अभ्यास में लाते हैं तो 7 मिनट में पूरा यज्ञ हो जाता है। और यदि और विशेष हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि करते हुए या गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां देकर के अधिक मात्रा में भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम यदि 7 मिनट भी हमने कर लिया तो हम ये सारे लाभों को उठा सकते हैं। अधिकम जितना ज्यादा हो उतना करें, लेकिन कम से कम इतना करके फिर सीधे बैठिए। सब लोग सीधे बैठिए, ऐसे ब्रह्मांजलि में हाथ रखिए, चप्पलों को निकाल दीजिए, ब्रह्मांजलि में हाथ रखिए और आंखें बंद करके मेरे साथ साथ सब मंत्र का पाठ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम सब मिल करके छोटे से ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को हम करेंगे। ब्रह्मांजलि में हाथ रख करके लंबा गहरा श्वास भर के ओ आचमनम। अब आचमन करते, थोड़ा सा पानी ले लेते कोई कटोरी के अंदर और ऐसे आचमन कर लेते। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मै श्रीश्रयताम स्वाहा। आचमन करने के बाद अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामे सह संतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर जल का छिड़काव, ये पवित्रीकरण शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इतना कर लिया फिर अब तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो गई। अग्नि प्रदीप्त होने के बाद जल प्रोक्षण थोड़ा सा कर देते हैं। ओम अदिते नुमन्यास्व, ओम अनुमते नुमन्यास्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यास्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अग्नि के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण कर दिया। इतनी प्रक्रिया करते हैं तब तक में अग्नि आदर्श रूप में अच्छे से प्रदीप्त होने लग जाती है। जब अग्नि प्रदीप्त हो जाए उसके बाद 4 गाय के घी की आहुति देते हैं। इसे छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी ले लिया और उसको थोड़ा सा पिघला हुआ प्रयोग करते, जमा हुआ होता है तो थोड़ा सा हल्का सा उसको गर्म कर सकते, हल्का सा गर्म कर लिया, गर्म कर लेते हैं तो आहुति भी अच्छे से होती है। और गर्म किए हुए घी, गर्म मानी तेज गर्म नहीं, खाली पिघला हुआ घी। और विशेष आहुति अब हम प्रदान करेंगे। ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम, ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम, ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम, ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय
पहले चार आहुति घी की देते, अब जड़ी बूटियां होती है ना, ये सामान्य रूप से अपने घर के अंदर चावल होते हैं जो टूटे हुए दाने ना हो, ऐसे अक्षत बोलते हैं उसको, ऐसे चावलों की भी हम आहुतियां दे सकते हैं, उससे भी हवन कर सकते हैं। ऐसी जो चीजें होती है वो भी थोड़ी सी मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, या तैयार जो हवन सामग्री जैसे प्राण इष्टि हवन सामग्री अष्टवर्ग की औषधियों से प्राण शक्ति जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, या फिर प्रारब्ध इष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से पोषण और पॉजिटिविटी के लिए विशेष रूप से, ऐसे अलग अलग सामग्रियां तैयार आती है, दिव्य हवन सामग्री, आस्था पूजा हवन सामग्री आदि, जो नॉर्मल तीनों दोष वात पित्त कफ को संतुलित करने वाली, तीनों ऋतुओं में प्रयोग करने वाली, उससे भी हवन कर सकते हैं। या रोग विशेष हैं तो रोग विशेष के लिए जो निर्धारित जड़ी बूटियां होती है उसको थोड़ी सी मात्रा में लिया और उससे हम आहुतियां देते हैं। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्य वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा, ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।